और उत्तराखंड की राजधानी खेल महाकुंभ 2021 की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिल्कुल अभी पाइपलाइन ग्राउंड में हूं और जहां तक मैं इन खेलों की बात करूं, फिट इंडिया आयोजक युवा कल्याण खेल शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग देहरादून के द्वारा किया जा रहा है और राजधानी देहरादून में आज इस खेल का शुभारम्भ भूतपूर्व शिक्षा मंत्री खजान दास और वर्तमान में विधायक के द्वारा ये पैवेलियन में शुभारंभ किया गया। जहां तक मैं इस महाकुंभ खेल की बात करूं, पूरे राज्य के हर ज़िले में ये गेम अलग अलग खेला जाता है और बताया जा रहा देहरादून में आज से ये शुभारंभ हो गया और जगह अगले महीने आरंभ होगा। जहां तक मैं खेल महाकुंभ की बात करूं, उत्तराखंड में ये गेम एक अपनी पहचान बना चुका है और तमाम स्कूलों में तमाम ज़िले में गेम खेला जाता है और जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड्स बने हुए हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके ये गेम खेला जाता है और कहीं ना कहीं प्रतिभागी मुझे सामने की तरफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से आए हुए तमाम अलग अलग स्कूलों से और कहीं ना कहीं इस खेल ने अपनी पहचान बनाई है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य पैवेलियन ग्राउंड का और सामने की तरफ बैठी हुई ऑर्गेनाइजर टीम तमाम शिक्षकों का एक ऑर्गेनाइजिंग टीम बनाई जाती है जो कि मेरे सामने नज़र आ रही। बताया जा रहा कई खेलों का इसमें रखा गया है जो कि दो दिन चलेगा ये गेम। अभी रेस्ट चलता हुआ कहीं ना कहीं लॉन्ग जंप के लिए तैयारी चल रही। सामने की तरफ बॉक्सिंग का रिंग भी बनाई गई है सामने नज़र आ रहे मुझे मेरे सामने की तरफ और बाईं तरफ ये क्रिकेट ग्राउंड भी है खेलने के लिए। और देहरादून में परेड ग्राउंड के अलावा अपने आप में पैवेलियन ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत और भव्य है जो कई खेलों का गवाह बनता है और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो खेल जो सरकार का प्रयास है बढ़ावा देने का कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होता हुआ नज़र आता है। देखिए मेरी सहयोगी टीम के साथ राजधानी देहरादून से खेल महाकुंभ पर सीधी कवरेज। जय हिंद, जय भारत।